BFIC नेटवर्क में स्टेक किया था और उनका BFIC क्वाइन उनको वापस मिलेगा। BFIC क्वाइन इस वक्त 21 से 22 डॉलर की प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, 10 एक्सचेंजेस पे एक्टिवली ट्रेड हो रहा है, विंडेक्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन वो अभी क्वाइन मार्केट कैप पे रिफ्लेक्ट नहीं की और बिट ट्रू पे शायद हो रहा है, वो भी रिफ्लेक्ट नहीं की। और 17 एक्सचेंजेस हो जाएंगी फरवरी तक, यानी जब आपके पास क्वाइन की पहली इंस्टॉलमेंट आएगी तो आपका BFIC क्वाइन 17 एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो रहा होगा और प्राइस जो है हो सकता है यही वाली हो सकता है इससे इंप्रूव कर चुकी हो। इंप्रूव करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है क्योंकि यूजिबिलिटीज आ रही हैं। और अच्छी और खुशी की बात आप सबके लिए ये होनी चाहिए जो BFIC वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज ये है, उनके लिए खुशी की बात ये है कि BFIC जो है वो यूटिलिटी की बेस पे, यूजिबिलिटी की बेस पे अपनी प्राइस मेंटेन करता है। BFIC की प्राइस ये है और अगर ये 30 को भी हाथ लगाता है तो वो ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होती है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी जो बेस प्राइस है अगर आप इसका चार्ट जाकर देखेंगे तो सबको पता है कि 20 की प्राइस को ये बहुत कम छोड़ता है, ऊपर भी जाए तो टेम्परेरीली और नीचे भी आए तो टेम्परेरीली, यानी 20 इसकी बेस प्राइस है और इस पे काफी मेहनत हुई हुई है 20 की बेस प्राइस के लिए। इतने सारे यूज केसेस, इतनी यानी यूजिबिलिटीज, इतनी सारी ऑफिशियल अनऑफिशियल एफर्ट्स होती हैं इसके अंदर जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है और वो आपको दिखता है। रोजाना की बुनियाद पे $5 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम है, अभी 10 एक्सचेंजेस के ऊपर $4.7 मिलियन का डेली ट्रेड वॉल्यूम इसका घूमता है और इसका मार्केट कैप जो है वो इससे भी बड़ा है। क्वाइन जीको पे मैंने शेयर किया था चंद पहले, दुनिया के लाखों प्रोजेक्ट्स में से 620 नंबर का या 640 नंबर का और 620 नंबर का ये क्वाइन बन चुका है। आने वाले अगले चंद एक दिनों में, हफ्तों में, महीनों में आप देखेंगे कि आपका BFIC क्वाइन जो है वो दुनिया के टॉप 100 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट होने के लिए जा रहा है, यानी दुनिया के जो बड़े 100 प्रोजेक्ट्स होंगे जब आप उनमें से एक होंगे तो तब आपको थोड़ा सा जरूर सोचना है कि इनोवेशन फैक्ट्री कोई कंपनी है, उमर खान कोई बंदा है, उमर खान कोई फाउंडर है और ये वाकई एक जेन्युइन बिजनेस है। तो उस दिन आपको जरूर ये सोचना चाहिए जब आप टॉप 100 का हिस्सा होंगे, आप टॉप 100 क्वाइनों की लिस्ट में होंगे, आप टॉप 100 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में होंगे।